IVTV देखता है इंडिया। गुड मॉर्निंग, मैं हूं जूली, आप सब देख रहे हैं IVTV। इस वीडियो में हम बात करेंगे समाचार पत्रों की उन खबरों की जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है, जो खबरें आपसे ताल्लुक रखती हैं। इसके लिए हमने बिहार के 4 प्रमुख अखबारों का सहारा लिया है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। पहली खबर हमने हिंदुस्तान से ली है, जिसका हेडलाइन है, भड़काऊ बयानों पर भाजपा सख्त, दो पर गिरी गाज। भड़काऊ बयानबाजी पर भाजपा ने सख्ती दिखाई है। पार्टी नेतृत्व ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में दिल्ली इकाई ने प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया है। इस मुद्दे पर बवाल मचने के बाद भाजपा ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए बयान जारी किया। पार्टी ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो कि हमने प्रभात खबर से ली है। खबर की हेडलाइन है, हजारीबाग में 5 साल से 2-2 नर्सिंग होम चला रहा था फर्जी डॉक्टर। राज्य में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों द्वारा संचालित निजी क्लिनिक और अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। रांची में गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार सिन्हा हजारीबाग के राजा बंगला परिसर और नूरा रोड में 2 जगहों पर माँ नर्सिंग होम नाम से 2 सेंटर का संचालन कर रहा था। फर्जी कागजात पर उसने न केवल स्वास्थ्य विभाग से नर्सिंग होम का निबंधन करा लिया, बल्कि बैंकों से लाखों का लोन भी पास करा लिया। मामला उजागर होने पर सिविल सर्जन ने दोनों नर्सिंग होम के संचालन का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। दूसरी ओर कोडरमा के झुमरी तलैया का फर्जी डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी ऑन कॉल मरीजों को न केवल इलाज करता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका ऑपरेशन भी करता था, और अब इन पर गाज गिरी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमने दैनिक भास्कर से ली है। इस खबर की हेडलाइन है, कर्मचारी की मौत होने पर उनके आश्रित को पुरानी पेंशन मिलेगी। केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंप देगी। नए बदलाव के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रित को उनके आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जा सकती है। अगली खबर भी प्रभात खबर से है, जिसकी हेडलाइन है, आर्थिक तंगी से परेशान 5 लोगों का परिवार फंदे से लटका। समस्तीपुर जिला स्थित विद्यापति नगर के मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड 4 में रविवार को अहले सुबह एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में मनोज झा 42, उनकी माँ सीता देवी, पत्नी सुंदरमणि देवी, पुत्र सत्यम और शिवम शामिल हैं। घटना का कारण आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अंतः परीक्षण के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। DSP दिनेश कुमार पांडे घटना की छानबीन में जुटे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर, जो कि जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई है, और ये खबर हमने दैनिक जागरण से ली है। खबर की हेडलाइन है, प्रदेश में जाति आधारित गणना के लिए 1-2 दिन में बन जाएगा अलग सेल। 1-2 दिन में जाति आधारित गणना के लिए अलग से सेल अस्तित्व में आ जाएगा। बता दें कि इसके लिए राज्य कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है, इसलिए ये सेल सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में काम करेगा। इसके लिए सचिवालय परिसर में अलग से कार्यालय तैयार किया जा रहा है। तब तक ये सेल सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय से ही काम करेगा। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो कि आज के अखबारों में छपी है, जिन्हें आज के अखबारों में सुर्खियां मिली हैं और जिनका सीधा ताल्लुकात आपसे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।